गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम अलग अलग क्या पढ़े थे, सारे सैटेलाइट्स के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, कौन कौन पहले गया, कौन कौन बाद में गया, फर्स्ट रशियन गए, फिर अमेरिकन्स गए, इंडियंस गए, है ना। तो अब हमने जो भी पढ़ा उस पर देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेम द डॉग दैट हैड गॉन टू स्पेस इन स्पुटनिक सेकेंड। तो जो डॉग गया उसका क्या नाम था, लाइका। और ये आपकी बुक में यहाँ लिखा भी है और अंडरलाइन भी आप लोगों ने किया होगा, इसका नाम है लाइका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ अमेरिका एंड ऑफ इंडिया। तो रशिया का तो कौन था, स्पुटनिक वन, अमेरिका का कौन था, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर वन, और इंडिया का 1975 में कौन गया था, आर्यभट्टा। नेक्स्ट, नेम द थ्री एस्ट्रोनॉट्स दैट वेंट ऑन अपोलो 11। अपोलो 11 के जो तीन अमेरिकन साइंटिस्ट कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एंड माइकल कॉलिंस। ओके, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। तो द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रांग, एंड द फर्स्ट पर्सन वेंट टू दैट स्पेस वॉज फ्रॉम रशिया, एंड हिज नेम वॉज, वॉट वॉज हिज नेम, हिज नेम वॉज मेजर यूरी गैगरिन, एंड द लेडीज वॉज वैलेंटीना टेरेस्कोवा। और इंडियन मैन जो सबसे पहले स्पेस में गए थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, एंड लेडीज वॉज कल्पना चावला। लिस्ट आउट द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़े थे, हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, ये हमें वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, टेली कम्युनिकेशन देते हैं, और रिमोट सेंसेशंस देते हैं, यानी थर्ड आई ऑफ द स्काई है ये। सो थर्ड आई ऑफ द, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आईज ऑफ द स्काई, ना कि थर्ड आई, आईज ऑफ द स्काई ने आसमान की आंखें। व्हाई आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कॉल्ड आईज ऑफ द स्काई। अभी मैंने बोला कि आईज ऑफ द स्काई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व थिंग्स फ्रॉम अबव द अर्थ, यानी आसमान में ऊंचे से ये सारी चीज़ें जो हमारी धरती पे हो रही हैं, और अगर कोई धरती पे ऊपर से देख रहा है तो वो आईज ऑफ द स्काई हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक एक्टिविटी है, मेक योर ओन फ्यूललेस मॉडल ऑफ रॉकेट, अ पीस ऑफ थिक पेपर 5 cm × 10 cm, अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो पानी हम लोग पीते हैं ना वो, अ बलून, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेंसिल एंड अ स्ट्रिंग, कोई भी धागा। अब क्या करना है, कट अबाउट 1/3 ऑफ द स्ट्रॉ, स्लाइड दिस शॉर्ट पीसेज ऑफ स्ट्रॉ अबव हाफ वे इन टू द नेक ऑफ द बैलून। ये पेपर लिया, इसको फोल्ड किया, अब इसके बीचों बीच आपने क्या कर दिया, एक छेद कर दिया। मेक श्योर दैट द स्ट्रॉ इज नॉट पिंच्ड शट, फोल्ड द पेपर इन हाफ लेंथवाइज, इसको हाफ कर दिया, देन ओपन इट अप, पोक अ स्मॉल होल इन द मिडल ऑफ द क्रीज लाइन विद द पॉइंटर पेंसिल। ठीक है, स्लाइड द पेपर ओवर द एंड ऑफ द स्ट्रॉ, दिस इज़ द टेल ऑफ योर रॉकेट। अब इसको स्ट्रॉ को जो हम देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर क्या है, स्लाइड द पेपर ओवर द एंड ऑफ द स्ट्रॉ, दिस इज़ द टेल ऑफ, ये जिसे रॉकेट की टेल होती है। ब्लो अप द बैलून, अब इधर से आपको जो आपकी ये निकली हुई इधर से क्या करना है, हवा भरना है। प्रेस योर थंब ओवर द एंड ऑफ द स्ट्रॉ टू कीप द एयर, और उसको हम एक साइड से क्या करेंगे, दबा के रखेंगे। द एयर विल रश आउट द बैलून, अब जो हवा है ये उसमें है और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह क्या होता है, हमारा रॉकेट भी काम करता है, यानी हम यहाँ से हवा भर दी हमने, ठीक है ना, और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, जैसे जैसे हवा कम होती जाएगी छोड़ देंगे, है ना। अब क्या क्या पढ़ा लेसन में, टेलीस्कोप्स आर यूज टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज, यानी टेलीस्कोप का क्या काम है, बहुत दूर दूर की चीज़ें पास में देखने के लिए किसकी यूज़ पड़ती है, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप्स हैव मेड द वर्क ऑफ साइंटिस्ट वेरी इजी, क्योंकि हम दूर की चीज़ें पास देख सकते हैं, इससे साइंटिस्ट का काम क्या हो गया, आसान। दे हेल्प टू नो मैनी थिंग्स अबाउट स्पेस, और स्पेस के बारे में हमें सारी जानकारी मिलती है। अब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द सैटेलाइट्स, ये वो सैटेलाइट्स हैं मेड बाय मैन, किसने बनाया, इंसान ने, तो पता है, एंड पुट इनटू ऑर्बिट, और किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट, मतलब कोई भी पाथ, इनटू एन ऑर्बिट टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड ऑल्सो अबाउट द अर्थ, और ये हमें स्पेस के बारे में और अर्थ के बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ द पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो आदमी स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, और जो स्टडी करते हैं वो क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच होती है। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून सरफेस ऑन April 21st, 1969, और नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे रशियन जो मून के
सॉरी इस पे कहाँ पे, सॉरी नील आर्मस्ट्रांग वॉज अ अमेरिकन, और जबकि आपके दूसरे कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग जो थे अमेरिकन थे और वो कहाँ पे गए थे, मून पे, और रशिया पे, रशियन कौन जो गए थे सबसे पहले, वो थे यूरी गैगरिन। ठीक है, लॉट्स ऑफ साइंटिफिक वर्क हैज़ बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और हमारे बहुत सारे साइंटिफिक काम इसकी वजह से आसान हो गए। अब है स्पेस, स्पेस यानी बाहर का एरिया, द प्लेस बियॉन्ड द ब्लैंकेट ऑफ एटमोसफियर, जो हमारी एटमोसफियर के बाहर का एरिया, दैट इज़ नोन एज स्पेस। एक्सप्लोरेशन मतलब किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, स्टडी टू लर्न अबाउट समथिंग, क्रेटर अ बाउल शेप कैविटी सीन ऑन मून, जैसे आपको होल्स बताए थे कि स्पेस जो सरफेस है हमारी मून की उस पर क्या होते हैं, क्रेटर्स, जिसको किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। नाउ प्रैक्टिस एंड जोन, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन अपोलो 11, अब यहाँ पे चार एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए, इनमें से कौन कौन नहीं है, तो नील आर्मस्ट्रांग अपोलो में थे, यूरी गैगरिन नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि वो कहाँ के थे, वो रशियन थे, है ना, और ये सब अमेरिकन थे, ये अपोलो 11 में गए नहीं थे, तो कौन है, यूरी गैगरिन। द डॉग लाइका वॉज सेंट इन टू स्पेस, अब जो लाइका डॉग थी वो किस में गई थी, यहाँ पे स्पुटनिक 2 में, ठीक है ना, स्पुटनिक 1 तो ऐसे गया था, फिर स्पुटनिक 2 में डॉग को भेजा गया था। नेक्स्ट इज, वी कैन वॉच द क्रिकेट मैचेस हेल्ड इन अदर कंट्रीज जस्ट बाय स्विचिंग ऑन आवर टीवी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ रिमोट सैटेलाइट से होता है, या वेदर वाला नहीं हो सकता, लॉन्चिंग व्हीकल से कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, द फर्स्ट इंडियन, अब इंडियन कौन है, सबसे पहले वेलेंटिना तेरेस्कोवा तो लेडीज थी और रशियन थी, आर्यभट्टा सैटेलाइट है, यूरी गैगरिन रशियन है, तो फर्स्ट वॉज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज सेंट बाय, सबसे पहले सैटेलाइट किसने भेजा था, रशिया में, कौन से ईयर में, 1957 में, है ना। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट रशियन सैटेलाइट कौन था, स्पुतनिक 1, जिसका मतलब होता है ट्रैवलर। वेयर इज द फर्स्ट अमेरिकन सैटेलाइट वॉज अपोलो, अमेरिकन वॉज एक्सप्लोरर 1, ठीक है ना, पहला जो गया था वो कौन था, एक्सप्लोरर 1। द स्पेस मैन ट्रेवल्ड इन द रॉकेट आर नोन एज, जो स्पेस में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस, स्पेस में सबसे पहले जाने वाले रशियन साइंटिस्ट कौन थे, साइंटिस्ट क्या, एस्ट्रोनॉट कौन थे, यूरी गैगरिन। टेलीस्कोप नीड, अब हमने पढ़ा था कि टेलीस्कोप में कितने लेंस यूज होते हैं, तो टेलीस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इस वीडियो में तो इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।